यहाँ तैयारी चल रही है और बहुत तरह की यहाँ पे स्टॉल लगे। आज इस साल कुछ नया सुनने को मिल रहा है कि दारू हल्दी कर सरप्राइज सरप्राइज है। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। इतनी चमक वाली निकाल रहे हैं और हम लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं मेले का जायजा लेने के लिए, जो कि महाकौतिक लगने वाला है कल से। और आज जो है यहाँ पर सारी तैयारियाँ लगभग लगभग हो गई हैं, जो भी बची खुची हैं वो रात तक हो जाएंगी। और यहाँ पर अभी देखते हैं, हमने बहुत सारा चीज़ें देख ली हैं और क्या क्या स्टॉल लगने वाले हैं और क्या क्या आइटम है। अभी तो धीरे धीरे तैयारियाँ चल रही है, अब देखते हैं क्या क्या झूले यहाँ पर लगने वाले हैं, तो दिखाया जाएगा आपको, बने रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हो गई है महाकौती की तैयारी, जो कि उत्तराखंड का मेला लगने वाला है 5 दिन, 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये मेला लग रहा है। और क्या क्या तैयारी अंदर हो रखी है दिखाते हैं आपको। ये देखिए लग रहे हैं ये, और बहुत दिन से तैयारी चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ तैयारी चल रही है और बहुत तरह की यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। और अभी थोड़े थोड़े करके यहाँ सामान आ रहा है और हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए हम बच्चों को लेके आते हैं स्टेडियम, तो हमने देखा क्या तैयारी चल रही है, जायजा लिया जाए थोड़ा, तो हम निकल गए हैं। ये देखिए अभी कुछ बहुत तैयारी रह गई है और कल से ये मेला स्टार्ट होने वाला है और आप लोग खूब आए इंजॉय करें। ये यहाँ पर स्टेज बन रहा है और दर्शकों के लिए चेयर लग गए हैं और महाकौती के लिए मंदिर तैयार हो रहा है। अभी सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टॉल लगे हुए हैं जगह जगह पे, और हम दिखाते हैं आपको, जायजा ले रहे हैं हम भी। और लोग तो यहाँ पर मेला देखने के लिए आते हैं और बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, लोगों की मेहनत आप देख सकते हैं। और वहाँ पर मंदिर बनेगा और मंदिर अभी क्या थीम है कोई पता नहीं, थीम है अभी ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। और एंट्री यहाँ से भी एंट्री हो सकती है और यहाँ से मेन एंट्री यहाँ से है, आप देख सकते हैं। और अभी हम थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा रहे हैं और आप खूब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आए मेला देखें, बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे गायक कलाकार आएंगे। अभी हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए झूले का प्रबंध भी करा गया है और बड़ा सा झूला भी लगाया गया है। और किसी किसी ने उत्तरांचली कृषक करके स्टॉल लग गया है, इनसे पूछते हैं। आज दाल आई हुई है, मोरंगी दाल है, पूछते हैं। पहले ही लगा दी है स्टॉल आप लोगों ने, कल से है ना मेला स्टार्ट? कहाँ से आए हुए? अल्मोड़े से। साइड ट्रेडिंग कंपनी से, हमारा होम स्टे है और होटल का भी, और साथ में हमारा जो है स्टॉल का भी। आप पहली बार ही आए हैं और बार भी लगाते हैं? मैं हर साल आता हूँ, हमें 11 साल हो गए यहाँ पे स्टॉल लगाते लगाते, तो जो है मैं इससे यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, जो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, घी भी सब आप गांव से लाए हुए हो? ये बद्री से आया हुआ है हमारा घी, बद्री गायों का घी होता है ये बद्री से। और ये आपको बताइए, हमारे पहाड़ों में कई प्रकार की दाल होती है, जैसे रेस की दाल हो गई, तोर हो गया, चपटा भट हो गया, नीतिमाना हीम हो गई, और राजमा हो गया, कुल्फी हो गई, गोहत की दाल हो गई, और इस प्रकार से कई प्रोडक्ट हैं, कैमोमाइल हो गया, रोजमेरी टी हो गया, नेटल ग्रास हो गया, नेटल टी हो गया, और अश्वगंधा हो गया, तुलसी ग्रीन टी हो गई, और दारू हल्दी हो गई। दारू हल्दी पहली बार हो गई? दारू हल्दी ये दारू में मिला दी जाए तो दारू छोड़ दे लोग? इसके लिए तो हमारे पास कोई दवा नहीं है। अच्छा, लेकिन शुगर की दवा हमारे पास है। शुगर के लिए हमारे दारू हल्दी, आप अगर नेट में भी सर्च मारेंगे तो आपको उस चीज के बारे में नेट में भी मिल जाएगा। अच्छा, ये दारू हल्दी जो है किस तरह से यूज करनी है उसके लिए? जड़ी बूटियाँ होती है, इसको कंच के गिलास में रात को भिगोना होता है, ढक करके रख दो कंच के गिलास को, और सुबह छान करके इसका पानी पी लो, एकदम वाइन की तरह इसका कलर आएगा। एक हफ्ते तक एक टुकड़ा चलता है इसका, तो जो है इससे आपका शुगर लेवल कम होगा। तो कितने दिन तक मतलब पीना होगा? देखिए 10-15 दिन तक। अच्छा, हाँ, कंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने चेक करोगे, जैसे शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप लेते रहेंगे बीच बीच में। कितने साल से ये यूज कर रहे लोग, करे इन लोग? हाँ, लोगों ने इसको यूज? अब हमारे कई क्लाइंट हैं, मयूर बिहार में भी हैं, क्लाइंट लेता है। अच्छा, काफी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्राइस क्या है इसका? इसका है प्राइस हमारा 375 है, 375 रुपए। अच्छा, ठीक है, तो आते हैं कल से हम मेले में, तो आपके प्रोडक्ट जो जो भी यूज किए हैं तो हम खरीदते हैं।
हम उत्तराखंडी प्रोडक्ट को आगे को ले जाया जा रहा है, जो कि विलुप्त होते जा रही है हमारे पहाड़ों में ये चीज़ें, क्योंकि लोग जो है पलायन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पैसा कमाना मेन मिशन नहीं है हमारे उत्तराखंड से जो आए हुए हैं भाई लोग, तो इनका मिशन मेन है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जैसे ये दालें हैं बहुत पौष्टिक हैं, और जो मडुए का आटा होता है उसको शुगर के लिए लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं। अब लोग उसको ढूंढ रहे हैं पर वो विलुप्त होते जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर लग रहा है मेला। पहाड़ों में कोई खेती करना नहीं चाहता है, दो पैसे लगते हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपने दिल्ली शहर में जॉब करें, वहाँ पे हम 15,000 की नौकरी, आजकल के लोग खेती बाड़ी करना नहीं चाहते, तो वो सोचते हैं कि हमारे पति अगर वहाँ शहर में रह ले तो हम भी शहर। सही बात है। आज इस साल कुछ नया सुनने को मिल रहा है कि दारू हल्दी करके कोई चीज है, और उससे जो है शुगर लेवल सही हो रहा है, कम हो रहा करके भाई लोग बता रहे हैं, और अभी हम लोग भी यूज करते हैं, देखते हैं कितना ये कारगर है। तो आप लोग भी खरीदें, आए यहाँ मेले में। ये देखिए कुटकी हर्ब, एक ये देखे शुगर की दवा, दारू हल्दी, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ये चीज है। ये है दारू हल्दी जो शुगर के लिए रामबाण बताई गई है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया। ये किसी चीज के पेड़ के लग रहे खाल वाल, जड़ों का है ना ये? हाँ हाँ, जड़ों का है, जड़ सुखा के तब बनाए गए। कहीं वो तो नहीं है किरमोटर भाई में ये। तो हमने तो स्टार्ट कर लिया है यहाँ से शॉपिंग, और आप भी आए देखते दारू छुटाए या तो दवा बनाए। हम ठीक सकते हैं, आप शॉप नंबर डाले गए हैं 86 87, और ये हमारे कस्टमर हैं, घूम रहे हैं अभी दारू हल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा चीज पिज्जा, ऑनियन पिज्जा, प्लेन पिज्जा, और ये है चाउमीन टिक्की। इस तरह से ये स्टॉल यहाँ पर लग रहा है। ये तो यहीं के लोग होंगे। भैया आप कहाँ से हो? कहाँ से? दिल्ली से। ये दिल्ली से ही आए हैं, और हर साल यहाँ पे लगाते हैं स्टॉल, है ना अपना? हाँ, यहाँ पे उत्तराखंडी लोगों को ये खिलाएंगे, चाउमीन वाउमीन है। क्या बनाने वाले हो? इस बार नहीं बन रहा है, वो बड़ा जलेबी, पिछली बार खाया था ना? नहीं मैडम, जलेबा है, आया जलेबा वाला, ये टप खड़ा है। अच्छा, वो मोटा मोटा। हाँ, पिछली बार मतलब खा ही नहीं पाए हम। ये भी यहाँ पर लगने वाला है पहाड़ी घरात, भट्टू की दाल, भात, चैसू, फाणू, पहाड़ी रायता, और झुंगोर की खीर, मीठा भात, ये सब गढ़वाली आइटम। ये देखिए ये भी यहाँ पर लगने वाला है, और ये देखिए स्टॉल यहाँ पर भाई साहब लोग लगाने वाले हैं। और आप लोग गढ़वाल से हैं? अच्छा, ये आप ये वाला स्टॉल लगाओगे, ये सारा आइटम होगा आपके खाने पे। चलो बढ़िया है। आप पहले से लगाते आए हो स्टेडियम में? फर्स्ट बार लगा रहे? पहले और कहाँ लगाते हो? कहीं नहीं लगाते हो? गढ़वाल से आए हो आप? अच्छा, यही रहते हूँ। तो आप पहले कहीं लगाते, इंद्रपुरम में लगाते हो ये खाना? वो यही लगाती हूँ ना, मेले में ही करते हूँ। तो आपको लगता है लोग खाएंगे खाना वाना? बहुत बढ़िया, क्योंकि पहाड़ की चीजें लुप्त तो होते जा रही हैं, तो शौक से खाएंगे। ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये सामान मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो है दिल्ली की मशहूर पिज्जा, ऑनियन पिज्जा, चाउमीन, चिल्ला, ये मिलेगा यहाँ पर। गोलगप्पे कितने रुपए के मिलेंगे? 10 के कितने मिलेंगे? 10 का नहीं है, नहीं है 10 के? हे भगवान, 20 रुपए के कितने मिलेंगे? बा बहुत महंगाई, मतलब बड़ा भी होगा फिर, 5-20, मतलब सूजी का भी, आटे का भी, एक ही है आज तो, एक ही साथ एक फ्री होगा ना ये? आज एम टी एस का शुक्र, आज खिला दो फिर हमें फ्री में। आज हम उद्घाटन टिक्की कितने की होगी यहाँ पर? 50। उद्घाटन कर रहे हैं, गोलगप्पे खाना स्टार्ट कर रहे हैं। खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो? खिला रहे हो गोलगप्पे? आज नहीं खिला रहे हो? अरे और दिखा रहे हैं गोलगप्पे कैसे बन रहे हैं, मेले के लिए तैयार हो रहे हैं स्पेशल। ये क्या है? मैदा, सूजी। कैसे, कितनी देर पहले गूंथनी होती है सूजी? भैया बता दो कैसे कैसे बनती है गोलगप्पे, ये बता दो। ये 10 मिनट पहले लगाने पड़ती है, 10 मिनट लगाने के बाद में रख के जब सेट होती है, बाद में ये देखो जब बनाना पड़ता है। ये रिजेक्ट माल,
ये रिजेक्ट होगा ना ये पापड़ी नहीं मिलती है लास्ट में। अच्छा वो है पापड़ी तो उसका भी तो बनाते हैं, वैसे तो उसका भी बनता है वो है ना। बहुत बढ़िया पापड़ी में आता है आपका तो बना ही नहीं है, हमने सोचा थोड़ा खा के जाते हैं। पानी नहीं तैयार है ना लग रहा है, कोई बात नहीं आप कल से तैयारी करो। तो ये हैं कुर्तियाँ गरम सूट। भैया कहाँ से आए हुए हो? कश्मीर से। आप अभी कश्मीर से आए हो या कि दिल्ली में भी रहते हो? अच्छा कश्मीर के। पहले भी लगाते हो आप कौतिक में? अच्छा कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है यहाँ पर? और बहुत सारे लोग खरीदते भी होंगे गरम सूट। अच्छा बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं इस बार भी आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं यहीं ख़त्म हों, सारे सूट वूट सब यहीं बिक जाए, ठीक है, और हमें इनाम दे जाना लास्ट में। स्टॉल यहाँ पर लग रहा है और भाई लोगों से पूछते हैं वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। भैया ये आप लोग कहाँ से आए हुए हो? हिमाचल से। आप हर साल लगाते हो यहाँ पे कौतिक में स्टॉल अपना? अच्छा और क्या क्या है आपके पास? कोट ये सब है ना, टोपी और हिमाचली कल्चर में जो भी यूज होता है वो सभी रहता है। अच्छा शॉल वॉल सब यहाँ पर भैया लोग आए हुए। दोस्तों इतनी खुशी पहाड़ी लोगों में है कि आप जान नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो तो यहाँ पर अभी से लोग जो है इतने उत्सुक हैं घूमने आए हुए हैं नोएडा स्टेडियम में, तो सभी लोग यहाँ पर जायजा लेने हैं लेने के लिए आए हुए हैं। सारी लेडीज हैं जेंट्स लोग और देखने आ रहे कि क्या क्या सामान आ रहा है और किस तरह से तैयारियां हो रही हैं नोएडा स्टेडियम में। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर मानो अब 4-5 दिन ऐसा लगेगा कि जैसे हम उत्तराखंड में ही आ गए हैं, अपने पहाड़ अपने कल्चर में हैं। और इधर देखिए आप, अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको आगे को जो कौन सा स्टॉल लगने वाला है। आइसक्रीम स्वीट कॉर्न यहाँ पर लगेगा। आप यहीं से आए हुए हो दिल्ली से? हर साल लगाते हो? अच्छा बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सॉफ्टी ऑफ्टी आपको लगता है ठंडे में पियेंगे लोग लेमन सोडा वोडा दिन में? दिन में तो धूप में तो पियेंगे। अच्छा पहाड़ के लोग आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? पीते हैं नहीं पीते? आपका सामान खरीदते नहीं खरीदते हैं? लगते तभी तो स्टॉल लगा रखा है। अच्छा चलता है यहाँ मेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर से आर्ट्स की तैयारी करी गई। ये छोटे पे ही मतलब कहाँ से आए हुए आप लोग? ये वो है कैलामस का लैंटर्न है ना, लैंटर्न टाइप की। अच्छा तो आप कहाँ से? यहीं से आए हो दिल्ली से? पहाड़ी हो या मतलब देसी हो आप लोग? हम लोग देसी वाले हैं भैया, हम पहाड़ी नहीं हो आप तभी गोरे नहीं हो आप। सही बोला, ये देखिए सही बोला ना। हाँ पहाड़ी के होते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट करे हुए यहाँ पर। ये देखिए ट्रेन लग रही है बच्चों के लिए, ये देखे। और ये देख सकते हैं ये आप लोगों का भैया, ये देखिए क्या हुआ, फिर हाथ से चलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है, अभी ट्रेन फिट कर रहे हैं और बहुत सारे झूले यहाँ पर लग रहे हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले वूले लग रहे हैं। ये कौन सा झूला है भैया? भैया इसको कितने दिन लग जाते हैं तैयारी व्यार करने में आप लोगों को? अच्छा आप लोग जगह जगह लगाते रहते होगे ना इस तरह से? कितने मुश्किल है ये काम भी बताओ। लोग तो मजा लेते हैं, लोग उस टाइम बोलेंगे कि झूला थोड़ा सस्ता करो सस्ता करो। आप इन लोगों की मेहनत देखो बेचारों की, सब दर्द करते हो। फिर ये हर कोई बेचारे यहाँ लगे हुए हैं। उसको हंसी आ रही है, ओए हंसी क्यों आ रही तुझे? क्यों हम तो अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, कितनी मेहनत करते हो आप लोग? सब लोग नहीं बोलते भैया कम कर लो कम कर लो? लोग तो इस बार कितना है प्राइस, कितना रखा आप लोगों ने पिछले? अच्छा आप लोगों को नहीं पता, बड़ा रखा होगा पहले से, इन्हें स्टार्ट कर दिया है झूले का। और यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है, इंतजार की घड़ी खत्म, एक साल के बाद इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों मैं ना झूलों में नहीं बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है
और मेरे को एक तो कुमारी भी हो जाती है और ये ऐसे ग्राउंड राउंड घूमता है ना इस तरह से, देखो कहाँ कहाँ ये जाएगा, तो मैं तो कभी नहीं बैठती हूँ। और आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज लग रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर थोड़ा वीडियो वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं झूलों में। और ये मेरे को वैसे बैठने में तो बहुत कम्फर्टेबल लग रहा है, लेकिन हम इसमें बैठ नहीं सकते दोस्तों क्योंकि इस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है महाकौती की। कल तक तो ये ग्राउंड पूरा भर जाएगा और यहाँ पर झूलों में भी बिल्कुल जगह नहीं होगी लोगों की। और अभी ये देख सकते हैं बहुत यहाँ पर जो है वीआईपी सीट है और वीआईपी लोगों के लिए सोफा वोफा लगाए गए हैं। और यहाँ जो बैरिकेडिंग है इसके पीछे और जनता रहेगी और आपको कल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। और यहाँ पर आज मंदिर की तैयारी हो रही है और आप दिखा तो दोस्तों इस बार श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर का थीम रखा गया है और इस मंदिर की अभी सजावट हो रही है, यहाँ पर पूरा इसको सजाया जाएगा। और पूरी तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, आज जायजा ले रहे हैं, ये तो जैकेट वैकेट डाल के आए हैं और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रील्स की तैयारी कर रही है अभी। मैं रील्स नहीं और